आप ना ठीक से बात कीजिए, ठीक है? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आपसे अच्छे से बात करते हैं। बैठिए, सुनिए, आप ठीक से बैठिए, बात कीजिए ठीक से। आपका नाम क्या? आनंद भगत। हाँ, आनंद भगत नाम है। सुनिए, नाम यहाँ लिखा है। ठीक से बात कीजिए, हाँ, उसके बाद बोल लीजिए। सर, हम 3 महीने से आपके, अब 3 महीना होना नहीं जानते हम। आप ठीक से बात करेंगे, उसके बाद ही हम बात करेंगे। ठीक है, बात करें। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहे, आपका नाम क्या है? अरे भाई, इसे बैठो, बात करो, क्या करना? हम 3 महीने से आता है सर, मुझे आपका नाम नहीं पता था। मुझे RSSC में भी गए थे ना, तो आपका नाम पूछते थे, इसलिए मैंने पूछा आपसे। ठीक, गाड़ी का फोटो लेके आइए। सर, गाड़ी का फोटो तो ऐसा नहीं आएगा, लोन प्रोसेस होने का 20 दिन बाद गाड़ी आ जाएगा। नहीं, ऐसा करके बहुत गाड़ी पैसा होगा, रिटर्न रिटर्न। जुलाई में हम अप्लाई करें सर। अप्लाई करें हैं, फॉर्म तक दिए, फॉर्म जुलाई में जमा करिए आप। नहीं, तो जुलाई में आए हैं यहाँ पर, जुलाई में अप्लाई करें। कोई ना, प्रिंट आउट निकाल के। कितना महीना हुआ? 26 जुलाई। कितना महीना हुआ? 1 महीना 20 दिन हुआ है। 1 महीना 20 दिन भी नहीं, 1 महीना 10 दिन हुआ है। 3 महीना क्यों बोल रहे हैं? 3 महीना से टोटल इसके लिए बात है। नमस्कार अनुसार तक, मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम हैं हमारे स्टूडियो पर। तो आज हमारे स्टूडियो में एक व्यक्ति आए हैं जो काफ़ी दिनों से बैंक के चक्कर काट रहे हैं। हम आपको ये बता दें, PMEGP जो योजना है, उसके अंतर्गत काफ़ी लोगों को इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो है लोन सैंक्शन किया जाता है, जिसको लेकर काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। और सिर्फ ये एक व्यक्ति नहीं है, हमने काफ़ी लोगों से ये चीज़ सुना है। काफ़ी लोग जो लोन में गाड़ी लेते हैं PMEGP इस योजना के तहत, लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। लोगों का लोन जो है सैंक्शन नहीं होता है, और अगर होता भी है तो काफ़ी लेट होता है। तो आज एक व्यक्ति हमारे पास आए हैं और उनके साथ कुछ घटना घटी है, वो हमारे सामने बताएंगे और हमारे दर्शकों तक पहुँचाएंगे। तो सर, आपका नाम? हेलो, न्यूज़ आप तक। मेरा नाम है शाहिद मोहम्मद, मैं जंगलीघाट में रहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, PMEGP जो योजना है, ये गवर्नमेंट की तरफ से अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत ये योजना निकाला गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने 3 महीना पहले ये योजना के वास्ते अप्लाई किया है, मैं एक गाड़ी के वास्ते अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो कुछ मांगे गए था DIC के, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के, मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट किया है। उसके बाद मुझे कहा गया वहाँ से कि आपको परमिट के वास्ते NOC लेके आना पड़ेगा। तो मैंने NOC के वास्ते अप्लाई किया। NOC मिलने के वास्ते मुझे 2 महीने लग गए। तो 2 महीने तक मैंने वेट किया, NOC मिला। उसके बाद जब मैंने बैंक में जाके अप्लाई किया, तो अप्लाई करके आज 1.5 महीना से ऊपर हो चुका है। तो वहाँ से मुझे कह रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि आप जो गाड़ी बुकिंग करे वो गाड़ी अवेलेबल नहीं है। कभी बोल रहे हैं कि आप RCCS करिए। जब मैं RCCS की बात करता हूँ,
तब वहाँ से मुझे कहा जाता है नहीं यहाँ हम लोग कस्टमर से डील नहीं करते हैं। देखिए उन्होंने तो सही बात कही है, देखिए आपको जहाँ से लोन मिल रहा है, जिसके थ्रू लोन मिल रहा है, आप जाकर आपको वहाँ पर बात करना चाहिए, ना कि RCC के वहाँ पर। देखिए मैं DIC ऑफिस गया सबसे पहले, क्योंकि मुझे दो ही जगह जाना है, मेरा काम है DIC ऑफिस पे है या तो मेरा काम है SBI पे जो जंगली घाट वाला ब्रांच है, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो जब मैंने SBI में अप्लाई किया है तो मैं RCCS जाके क्यों बात करूँ, यह चीज़ मैंने SBI के मैनेजर से भी पूछा है, तो वो लोग मुझे कह रहे हैं कि नहीं आपको जाके एक बार बात करना होगा। जब मैं RCCS जाके बात करा तो उस लोग मुझे कह रहे हैं कि आपको किसने भेजा है यहाँ पे। मैंने बोला कि मुझे जंगली घाट ब्रांच की तरफ से भेजा गया है कि जाके पता करिए, तो उनके पास क्या हमारा नंबर नहीं है, आपका जो भी डिटेल्स है आप मुझे फ़ोन करके पता कर सकते हैं। RCCS में मुझे ऐसा कहा जाता है कि हम लोग कोई कस्टमर से कोई डील नहीं करते हैं, हम लोग जो भी डील करते हैं हमारे बैंक से डील करते हैं, तो आपका जो बैंक से जिसने भेजा है आपको वहाँ जाके पता करिए और वहीं से आपको मुझे फ़ोन करके बताइए बोलिए। तो अभी हम क्या करें बताइए ना, मुझे बैंक में जाने से उस लोग यहाँ जाओ वहाँ जाओ बोल के मुझे घुमा रहे हैं। करीबन कितने दिन से बैंक के चक्कर आप काट रहे हो? मुझे आज 1 महीने 10 दिन से ऊपर हो चुका है, 1.5 महीने मिनिमम हो चुका है मैं बैंक के चक्कर लगा रहा हूँ। मैं आपका जो भी मेरा फॉर्म है, मेरा NOC है, मेरा जो भी डिटेल्स है मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे जो योजना चल रहा है उसको सिर्फ कागज़ों पर चल रहा है, वो चीज़ ज़मीनी स्तर पे उसका कोई महत्व है ही नहीं। आप ना ठीक से बात कीजिए, ठीक है? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आपसे अच्छे से बात करते हैं। बैठिए सर, सुनिए, आप ठीक से बैठिए, बात कीजिए ठीक से। आपका नाम क्या? आनंद। हाँ, आनंद भगत नाम है। सुनिए, नाम यहाँ लिखा हुआ है। ठीक से बात कीजिए, हाँ उसके बाद बोल लीजिएगा। सर हम 3 महीने सर की अब 3 महीना होना नहीं जानते हम, ठीक से बात करेंगे उसके बाद ही हम बात करेंगे। ठीक है, बात करें। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहे आपका नाम क्या है? अरे भाई इसे बैठो, बात करो, क्या करना। हम 3 महीने से आता है सर, मुझे आपका नाम नहीं पता था, मुझे RSSC में भी गए थे ना, वहाँ आपका नाम पूछते थे इसलिए मैंने पूछा आपसे। गाड़ी का फोटो लेके आइए। सर गाड़ी का फोटो तो ऐसा नहीं आएगा, लोन प्रोसेस होने का 20 दिन बाद गाड़ी आ जाएगा बोला। नहीं होगा ऐसा करके, बहुत गाड़ी फंसा हुआ है तो रिटर्न रिटर्न करेगा। जुलाई में अप्लाई करें सर। अप्लाई करें हैं, फॉर्म कब दिए? फॉर्म हम जुलाई में जमा करें। आप नहीं तो जुलाई में आए हैं यहाँ कि अगर हम लोग वहाँ से गाड़ी मंगा दिया अगर तेरा लोन प्रोसेस नहीं हुआ? नहीं आपके अनुसार नहीं बोलेगा ना, जो हम लोग का अथॉरिटी है वहाँ से इन्होंने बोला है कि अवेलेबिलिटी नहीं है इसलिए। सर ये गवर्नमेंट का लोन है सर, हम लोग का नॉर्मल पीपल्स का ये लोन निकला है। आप अलग लेवल में मत जाइए, जो गाड़ी अवेलेबल नहीं है उसके लिए हम लोग लोन कैसे प्रोवाइड। सुनिए बाबू, इससे पहले ना इससे 20 लोन सैंक्शन हो चुका है, गाड़ी अभी लोग नहीं दे पाया, कैसे हम लोग लोन कर दें? उनको बोलिए इसके पहले 15-20 गाड़ी हुआ है। ये बोलते हैं ना सर, उस लोग मेरा बात सुनिए सर, हम ओनर से बात कर रहे हैं, मेरे को ओनर यही बोलता है कि आपका लोन प्रोसेस होता है 20 डेज के अंदर आपका गाड़ी आपका हैंड ओवर हो जाएगा। बट बैंक से उसका गारंटी कुछ है? हाँ वो अश्योर करते नहीं है ना, मार्च का गाड़ी डिलीवरी नहीं दिया अभी तक हमें लोग का एक कार लोन हुआ वो गाड़ी डिलीवर दे हुआ है। बोलिए आप बोलिए गाड़ी का देना। जिस आप ओनर से जहाँ से बात कर रहे हैं उनका CCTV हम लोग के पास है। यहाँ से प्रोसेस होता है सर? नहीं आपको 3 दिन के अंदर आपको चेसिस नंबर इंजन नंबर अलॉट करके 20 डेज के अंदर आपका गाड़ी हैंड ओवर कर देंगे। वो बोले सर हम अभी भी बोलते हैं अगर हम एजेंसी हाउस से लेटर पैड में लिखा के लेके आता है आपको अश्योर करता है कि 20 डेज के अंदर आपको गाड़ी अवेलेबल करा देगा। हम कुछ नहीं करता है गाड़ी, हम लोन फाइल सोर्स करके वहाँ भेजते हैं, गाड़ी का लोन उधर से ही होता है। ठीक है, अब लेटर जाके वहाँ पे हेड ऑफिस में दिखा सकते अगर एजेंसी हाउस में आपको बोलता है। नहीं सुनिए, अगर मेरा को ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया आपका उससे
अगर एजेंसी हाउस ऑनर मेरे को बोलता है ये चीज़ तो मैं क्या करूँ देगा, क्योंकि गाड़ी अवेलेबल है, मेरे को बोल दिया अगर आपको लोन सेंक्शन होता है 20 डेज के अंदर आपको गाड़ी अवेलेबल करा देगा। आप बात करा लेटर लिखाएंगे हम रिकॉर्ड भेजा देंगे यहाँ पर यहाँ से आया ठीक है सीधा लेटर लिखा के लिखाइए आपको बस। हाँ लेटर रिसीव कर। और सर आप ये बता रहे थे कि जब आप बैंक जाते हो बैंक वालों का बात करने का रवैया भी ठीक नहीं रहता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से बैंक वाले ने मुझसे बात की है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता है कि आके किस किसी आदमी को 5,000 करोड़ सब लेके भाग चुके हैं लोन के ज़रिए। अब हमें एक स्टार्टअप के लिए अपने रोज़गार के लिए एक छोटे से लोन नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। देखिए सिंपल सी बात है, काफ़ी यूथ हमारे अंडमान निकोबार में यूथ जो है पढ़ लिख कर बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलने का तो नाम ही नहीं है, बड़ा मुश्किल से जॉब भी निकलता है। जैसा अभी जो है ग्रुप्स एग्ज़ाम्स हुए थे MTS एग्ज़ाम हुए थे देन पुलिस का जो पोस्ट निकला था, तो ये आसान नहीं है, काफ़ी यूथ्स जो है भरते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। तो यूथ जो है अंडमान में 80% मैं आपको बता दूँ ट्रैवल्स टूरिज़्म से ही लोगों का घर चलता है। इवन अगर एक ट्रैवल्स है उसमें कई करीबन अगर छोटा कोई अगर ट्रैवल्स है तो उसमें छोटा मोटा भी अगर ट्रैवल्स है करीबन 8-9 लोग उसमें काम करते हैं, तो उनसे जो है सबका घर चलता है। तो अब जो व्यक्ति हमारे पास आए हैं वो अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, देखिए स्टार्टअप के लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप बताइए अब ये जो है खुलकर हमारे पास आए हैं, इस तरह काफ़ी लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटती है लेकिन वो जो है किसी के सामने मतलब आते नहीं है या कैमरा वो लोग फेस नहीं करते हैं, ये चीज़ जनता को बताते ही नहीं है, लेकिन ये चीज़ हुआ है सबके साथ, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए कोई अपना जेब से पैसा नहीं दे रहा है, एक योजना के तहत है ये जो प्रधानमंत्री द्वारा जो है ये चलाया जा रहा है, तो योजना के तहत अगर आपको पैसा देना आप पहले वेरीफाई कीजिए। देखिए ये सब जो है आइलैंडर्स है, अब आइलैंडर्स को नहीं दिया जाए तो लोग करे तो करे क्या, बताइए जो वेरीफाई का बात करे बहुत सही बात करे है, क्योंकि बैंक वाले मेरे साथ आए थे मेरे घर आके मेरा घर कहाँ है प्रॉपर एड्रेस सब कुछ पता करके जाने के बाद मुझे लास्ट में एक दिन पहले मुझे कहा जाता है कि गाड़ी अवेलेबल नहीं है आपका लोन रिजेक्ट किया जा रहा है आप ये साइन करिए और यहाँ से जाइए। मुझे ये लास्ट में कहा गया, मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा, जब मैंने इतने सारा प्रोसेस किया है गाड़ी अवेलेबल है शोरूम में मैं उसके प्रूफ लाके। देखिए शोरूम आपने कौन सा गाड़ी आपने बुक किया था, शोरूम का नाम आप बताइए और शोरूम से आपको क्या क्या बोला गया था। मैंने आपको दिखा देता हूँ सीधा प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एजेंसी हाउस पर गाड़ी बुक किया है 5वां महीना में मेरा गाड़ी बुक हो चुका है जी, आपको दिखाएंगे भी स्क्रीन पर ठीक है। 5वां महीना पे मेरा गाड़ी बुक हो चुका है, अभी शोरूम वाला भी क्या करेगा, जब तक मेरा लोन सेंक्शन नहीं होगा शोरूम वाला गाड़ी नहीं मंगाएगा, क्यों अगर लोन मेरा सेंक्शन नहीं हुआ उसका गाड़ी मंगाना वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे जो बैंक में लास्ट में कहा गया कि आप जाके ये गाड़ी का फ़ोटो लेके आइए, मैंने कहा मैं फ़ोटो कहाँ से लेके आऊँगा, जब तक मेरा लोन सेंक्शन नहीं होगा जब तक इंजन नंबर चेसिस नंबर जब आएगा उसके बाद तो मैं गाड़ी का करूँगा ना, तो मैं जब तक वहाँ से बैंक से मेरा लोन सेंक्शन नहीं होता है ठीक है, बैंक से लोन सेंक्शन होने का 20 डेज़ बाद मेरा गाड़ी मेरा हैंडओवर हो जाएगा, मुझे जो शोरूम वाले है उसने अशोर्ड किया ये चीज़, मैंने ये चीज़ का कॉपी भी आपको दिखा दूँगा। कुछ पर्ची है आपके पास इसका, जो शोरूम वाले ने मुझे लेटर पैड दिया है अपने लेटर पैड में लिख के दिया है वो चीज़ का भी मैं आपको कॉपी दे दूंगा। तो ये शोरूम द्वारा जो है टू द ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जंगली कार्ड, और इसमें जो है क्लियरली मेंशन है अर्टिगा कार इज वेटिंग मॉडल एज डिमांड फॉर द सेम इज टू हाई इन ऑल इंडिया देयर वाज चिप प्रॉब्लम एंड द सप्लायर्स आर गेटिंग अफेक्टेड एज सून हिज कार इज अलॉटेड वी विल शेयर His car engine and chassis number to you. Disbursement of his loan after that car shall be available in 20 days.
क्लियरली इसमें मेंशन है कि 20 दिन के अंदर जो है जब लोन इनका सेंशन होगा तो 20 दिन के अंदर जो है इनका कार मिल जाएगा करके यहाँ पर क्लियरली मेंशन है और इनका साइन भी है यहाँ पर। देन यहाँ पर इसका जो एजेंसी हाउस है उनका सील भी है यहाँ पर, हम आपको स्क्रीन में भी ये चीज़ दिखाएंगे। तो मेरा सब कुछ क्लियर होने के बावजूद ठीक है, मुझे बैंक से अभी तक भी कोई ऐसा एश्योरमेंट नहीं मिला है कि मेरा कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, सिर्फ बोलते हैं हाँ आप देखे जाइए हम लोग फॉरवर्ड करेंगे उसका बाद जो होएगा देखा जाएगा। ऐसे मैं कितना दिन वेट करूं? अगर आप एक मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अभी मैं अनएम्प्लॉयड हूं ठीक है, 4 महीने से मैं यही काम के लिए भाग रहा हूं, 1 महीने का इनकम होता है 50,000 मिनिमम, जो गाड़ी का जो भी होता है उससे प्रॉफिट होता है 15-20 हज़ार रुपया, लेकिन जो मिनिमम चला के जो गाड़ी का एक मिलता है 50,000 रुपया ठीक है। मैं आपको तो 20 या 30 तो अगर गाड़ी आपकी आ जाती है 20 या 30 हज़ार या 50 हज़ार आपको तो सिर्फ लोन मानना पड़ेगा। 20,000 मेरा लोन रहेगा जो गाड़ी का उससे, जो 20,000 मेरा लोन रहेगा ईएमआई, तो वो ईएमआई के तौर पे, बाकी जो भी रहेगा चलो मेरा मिनिमम, मैं 4 महीने से इसके लिए भाग रहा हूँ, आप सोचिए मेरा डेली का कितना लॉस हो रहा है। 1 महीना में अगर 50,000 रुपया भी होता है तो 4 महीना में 2 लाख रुपया, मैं इसके लिए सारा कुछ अपना काम धाम छोड़ के इसके लिए मैं भाग रहा हूँ सिर्फ। देखिए ये हमने पहले भी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का जो न्यूज़ दिखाया था काफ़ी बार हमने दिखा दिए, काफ़ी लोग परेशान है उसमें भी, लोगों को जो है घर अभी तक अलॉट नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें जो है काफ़ी लोगों का पैसा कटना शुरू हो चुका है, लोन का जो ईएमआई है वो कटना हो चुका है और काफ़ी कुछ उसमें हुआ है जो हमने आपको न्यूज़ भी दिखाया था, मेरे एडिटर ने भी वो न्यूज़ कवर की थी। और इतना कुछ होने के बावजूद आखिर ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, तो अंडमान में आकर अंडमान निकोबार एक यूटी में आकर ऐसा क्या हो जाता है? तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं प्रशासन प्लीज़ इसके ऊपर नज़र बनाए और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि देखिए IBCID यहाँ पर भी है और यहाँ से रिपोर्ट जो है दिल्ली भी जाता है, तो प्लीज़ ऐसा कुछ फ्री एंड फेयर आप लोग रिपोर्ट इसका भेजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना और PMEGP इसको लेकर काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर हो रहा है। तो प्लीज़ जितने भी यूथ्स हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग हमें बताइए और हम ये चीज़ को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, ताकि ऐसा और किसी के साथ ना हो। मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे को देख के अभी मेरे 4-5 दोस्त है जो भी अनएम्प्लॉयड है ठीक है, वो भी इसके यही मतलब लोन के लिए जाना चाहते थे, अगर मुझे इतना डिले होता देख के अभी वो लोग भी अपना पैर पीछे खींच रहे हैं कि जाने का दिल नहीं है उस लोगों भी। अभी ऐसा जनरेशन प्रोग्राम निकाल के क्या फ़ायदा जो यूथ को यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मेरा कहने का मतलब सिंपल है। ऐसा जो यह आके प्रधानमंत्री की तरफ से निकाला ला योजना है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी में ये योजना का कोई मतलब नहीं रह चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद साहिद जी हमें ये सब बात बताने के लिए। तो हम आशा करते हैं आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि ऐसा अगर आप लोग के साथ भी हुआ है, और जो लोग हमसे न्यूज़ को देखने के बाद अगर कंसल्ट करना चाहते हैं या न्यूज़ आप लोग खुद आकर कैमरा के सामने अगर बोलना चाहते हैं तो बेशक आ सकते हैं। बने रहे हमारे साथ लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए, देखते हैं न्यूज़ आप तक। मैं रोहित कैमरामैन नवीन के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।